हमें इस मकसद पे ध्यान देना है कि जो पहले 14 वाकयात हो चुके हैं उसकी रोकथाम क्यों नहीं की गई और एक ऐसा कानून बनाया जाए कि अब जो इस वक्त जड़ावाला में हुआ है उसके लिए मकर वहां पर वजीरे आजम ने, वजीरे आला ने, तमाम लोगों ने इमदादी चेक दिए। अपने अंदर हमारी बेटियों और बहनों को मजबूर कर रहा है कि वो सड़कों पर सोए। जिस तरह हमारे बच्चे तेरे अंदर बिलक रहे हैं तो पाकिस्तान में कैसे तेरे लिए दुआ करूं? आज पाकिस्तान में तेरे लिए दुआ नहीं करना चाहता, आज मैं दुआ करना चाहता हूं फिर से शांति नगर के लिए, फिर से गोजरा के लिए, फिर से जोसेफ कालोनी के लिए, फिर से बिशप जॉन जोसेफ के लिए, फिर से पास्टर राशिद और साजिद के लिए, फिर से शहबाज भट्टी के लिए जिसको तूने कत्ल किया। आज मैं दुआ करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ जड़ावाला के लिए जिसको तूने लूटा, जिसको तूने जलाया, जिसको तूने बर्बाद किया। आज मैं बनी इसराइल की तरह उस कादर मुद्दे के आगे सिर्फ एक गीत गाना चाहता हूँ, जिस पे लौटे मिस्र दे मारे चुक अपना हद सबदा, कटे मिस्रो इसराइली रहमत होगी सदा, कटे मिस्रो इसराइली रहमत नहीं निकाल सकता। ये हमारे दिलों में है, ये कलाम हमारे दिलों में तहरीर हो चुका है, ये खत्म नहीं हो सकता। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। जड़ावाला में आपने पैसे देकर लोगों के मुंह को बंद किया है, मैं ये बात नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ कि जो बोको हरास वहाँ पर फ्लैग है उसको कैसे खत्म करोगे? वहाँ पर हमारे बच्चे जो है खौफ की हालत में, वो कैसे खत्म होगा? और बहुत सारे साझे हो चुके हैं क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिला। आज हम यहाँ पे तो खड़े हैं इसलिए कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम हैक हो चुका पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, जो इस वक्त हमारे साथ साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं है। दुआ करो केसेस में ही हमें इंसाफ दे देते तो हम यहाँ तक ना पहुँचते। आज हमारे चर्चेस को उतरा दिया गया है, बाइबल्स की बेहरुखी की गई है, जरा सी पुराने पाक की बात होती है तो हमें अंदर कर देते हैं।